गुड मॉर्निंग क्लास फोर, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर वन इज रनिंग। इन दिस चैप्टर टुडे योर टॉपिक इज राउंडिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, राउंडिंग नंबर्स मीन्स निकट, सनिकट संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट आपको मैं बोलूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है? डिजिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डिजिट्स दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिया जाए 12, ओके स्टूडेंट्स, और इस साइड आपको दिया जाए 10 और इस साइड दिया जाए 20। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा जाएगा जो 12 है एक इसके माने नियरेस्ट मतलब राउंडिंग मतलब नजदीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें क्या करना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके तो स्टूडेंट्स, हमें राउंडिंग नंबर्स में अभी 100 का, ओके फर्स्ट स्टूडेंट्स, 10, 100 एंड 1000 का क्या करना है, देखना है। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर है जैसे आपको 30, ओके इसका राउंडिंग नंबर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर होगा 10। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको वन रूल याद रखना है, अगर 1, 2, 3 और 4 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, अगर 5, 6, 7, 8 और 9 रहेगा तो हम लोग इस साइड जाएंगे। ओके, जैसे ये आपका एग्जांपल था 13 का राउंडिंग नंबर 10 होगा। ओके, अगर वैसे ही अगर 90 का होगा तो 90 का राउंडिंग नंबर क्या होगा, 20 होगा। अगर 15 हुआ तो 15 का राउंडिंग नंबर क्या होगा, 20 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टेंस का है, अगर टेंस है तो हम लोग वंस को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेंस है तो वंस को देखेंगे। वंस प्लेस पर अगर 9 है यानी मोर देन 5 है तो हम लोग 20 की तरफ जाएंगे, और लेस देन 5 है 4, 3, 4 है तो हम लोग 10 की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हम लोग टेंस का वैसे ही 100 का, तो 100 का अगर हम लोग को करना है तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है 100 में, कि जैसे कोई नंबर 143, तो स्टूडेंट्स टेंस को है इसमें 100 वाले को नियरेस्ट देखना है, तो हमें क्या करना है टेंस को देखना है, यानी टेंस को देखें तो टेंस में क्या है 4 है। क्या है स्टूडेंट्स, 4 है, जो 4 है वो 5 से क्या है लेस देन है, इसलिए इसका आंसर होगा 100। क्या होगा 100। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 नियरेस्ट देखना है तो 100 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 5 होता और 5 से ज्यादा होता तो हम लोग 200 के पास जाते, किसके पास जाते 200 के पास, यानी जो रेंज है उसको हमें देखना है। जैसे आपका क्वेश्चन था 143, 100 नियरेस्ट में 143, स्टूडेंट्स आपको या तो 100 के पास जाएगा नहीं तो 200 के पास जाएगा, तो आपने क्या किया, पहले देखा कि इसके टेंस प्लेस पर क्या है, तो टेंस प्लेस पे 4 है, तो जो 4 होगा वो क्या अगर 5 से छोटा है तो आपको 100 के पास जाएगा। ओके, तो आपको अगर टेंस है टेंस का देखना है तो हम लोग 1 प्लेस को देखेंगे, 100 के देखना है तो हम लोग 10 प्लेस को देखेंगे, 1000 को देखना है तो हम लोग 100 प्लेस को देखेंगे। ये आपको राउंडिंग नंबर में है। ओके, यानी उसके जस्ट एक पहले वाले स्थान को देखेंगे, अगर वह स्थान लेस देन 5 होगा यानी 5 से छोटा होगा तो हम लोग इस साइड आएंगे, अगर ले 5 से क्या होगा बड़ा होगा तो हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। जैसे आपका 1000 है, यहाँ पर मैंने लिखा 1234। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका इसका दो रेंज हुआ, या तो 1000 या तो 2000। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको 1000 का देखना है तो हम लोग किसको देखेंगे 100 को, किसको 100 को, स्टूडेंट्स 1, 10, 100, तो बाकी सब को जीरो कर देंगे, और 2 क्या है आपका लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है, 2 क्या है 2 से छोटा है, इसलिए जो ये होगा ये आपको इधर आएगा माने 1000 के तरफ, 2000 के तरफ नहीं जाएगा, यानी जो नजदीक होगा उसके तरफ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें ये बात इसमें याद करना है राउंडिंग नंबर्स में, कि टेंस को देखना है तो वंस को देखेंगे, अगर टेंस का राउंडिंग नंबर निकालना है तो वंस को देखेंगे, अगर वंस लेस देन 5 होगा तो हम लोग
नीचे आएंगे, अगर मोर देन 5 होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर 5 भी होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे ही अगर हमें 100 का राउंडिंग नंबर देखना है तो हम लोग टेंस को जो स्थान पे नंबर होगा उसको देखेंगे और उसके बाद डिनोट करेंगे कि अगर वो 5 से क्या है छोटा है तो नीचे आएंगे, 5 से बड़ा है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। वैसे ही 1000 का भी हम लोग देखेंगे, अगर 1000 है तो हम लोग 100 के स्थान पर जो डिजिट है यानी अंक है उसको देखेंगे, अगर वो 5 से क्या है छोटा है तो हम लोग नीचे तरफ आएंगे, अगर 5 से बड़ा है तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंटरेस्ट है। ओके, उसके बाद जस्ट आपका चैप्टर 2 है जो रोमन नंबर है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो रोमन नंबर आपका बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक्सरसाइज है यू डू इट हिमसेल्फ, चैप्टर 2 रोमन नंबर, चैप्टर 2 रोमन नंबर। प्रीवियस क्लास में आप लोग रोमन नंबर पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आप लोग रोमन नंबर पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग किसी, जैसे आपका 1 है तो 1 को हम लोग क्या करते हैं 1 से ही डिनोट करते हैं, लेकिन रोमन नंबर जैसे आपका 5 है तो 5 किससे करते हैं भी से, उसके बाद क्या मानो एक्स है, एक्स किससे करते हैं टेन से, उसके बाद क्या आपको एल है, एल को किससे बाबू पीपी से, उसके बाद आपका है सी मतलब क्या है वो 100, उसके बाद डी मतलब क्या है वो 500, और उसके बाद क्या स्टूडेंट्स एम है तो ए मतलब 1000, ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 का 1 ही होता है, 5 का भी, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको नंबर्स दिया जाए आपको ये याद रखना है, बाकी सब आपको याद रखना है। जैसे 4 का उसे एक लिस्ट है, तो 4 का आपका होगा आपका ये तो 5 है और 5 से 1 हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वैसे ही 10 का है तो 1 से लिखकर 1 माइनस कर देंगे तो ये आपका किससे हो जाएगा 9 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम लोग जैसे आपका 49 का है तो एल है और एल में क्या कर देंगे हम, एल किसका है स्टूडेंट्स 50 का है। ओके, तो अगर हमें 49 का लिखना है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे एक्स को लेस कर देंगे, तो एक्स एल किसका होगा 49 का होगा, ये आपका रोमन नंबर है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑल ऑफ यू यू रिमेम्बर 1 to 1000 नंबर। ओके, एक से लेकर 1000 तक का नंबर क्या करेंगे हम याद कर लेंगे, अगर उसमें कोई आपको डाउट है तो उसे हम लोग क्लियर कर देंगे। जैसे आपको कोई लिखने को 245 का, तो स्टूडेंट 200 मतलब 100 है तो 100 का लिखेंगे सी सी और 40 का आप क्या लिखेंगे एक्स एल और वी का वी। ओके, इस तरह हम लोग रोमन नंबर को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, और आपके बुक्स में भी कुछ दिए गए हैं सम रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स के, उसे हमें क्या करना है रीड कर लेना है। आफ्टर दैट हमें एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑल स्टूडेंट्स रिमेंबर 1 to 1000 रोमन नंबर। ओके, आफ्टर दैट टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 को हमें क्या करना है कंप्लीट कर देना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।